हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट के बारे में, जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ा था, जो कि 1919 में हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट नेशनल मूवमेंट में इवेंट आता है वो है खिलाफत मूवमेंट का। सो बेसिकली ये स्टार्ट किसने किया था, थोड़ा नाम से आपको लग रहा होगा मुस्लिम्स ने ये स्टार्ट किया था। तो इसका कॉज क्या है, ये किस पे बेस्ड था, किसने स्टार्ट किया था और क्या इम्पैक्ट रहा, बाद में इसका क्या हुआ, ये फेड हुआ या और फ्लोरिश हुआ, वो हम सब कुछ आज के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चीफ कॉज कि इस मूवमेंट को होने का रीज़न क्या था, क्यों हुआ। देखिए, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड होती है, ठीक है, तो उसके बाद एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सेवर्स की 1920 में। अब ये क्या ट्रीटी थी वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी, हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना है, हमें सिर्फ टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। हर कोई भी वॉर होती है लास्ट में बहुत सारी ट्रीटीज़ होती हैं, ये तो आपने देखा ही होगा, आपने मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर या बहुत सारी वॉर्स हैं, कार्नेटिक वॉर्स वो पढ़ी होंगी। तो हर एक वॉर जो है ट्रीटी यानी संधि के साथ एंड होती है, ठीक है। तो वैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये ट्रीटी हुई, 1920 में हुई। अब होता क्या है, ब्रिटिशर्स ने जो टर्की के लोग थे, टर्की के लोग भी नहीं, जो टर्की के हेड थे, उनके साथ जो उनका बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था, जिससे मुस्लिम्स जो है वो विवादित हो गए, एग्रीटेट हो गए। अब ब्रिटिशर्स का अगर बिहेवियर टर्की के हेड के लिए अच्छा नहीं था तो इससे मुस्लिम्स को क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन तो ये उठता है, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे कि बेस्ड ऑन कि क्या रीज़न था, बेस किस पे था ये चीज़। देखिए, जो मुस्लिम्स थे दे बिलीव्ड दैट द कैलिफ द सुल्तान ऑफ टर्की वॉज द रिलीजियस हेड ऑफ द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुस्लिम्स का ये मानना था कि जो टर्की का हेड है, टर्की का सुल्तान है कैलिफ, वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनका धार्मिक नेता है, उनका धार्मिक आप कह लीजिए रिलीजियस हेड है। वो वहां के सुल्तान को बिल्कुल हेड मानते थे, अपने मुस्लिम्स जो है वो हेड मानते थे, ठीक है। अब होता क्या है कि जो मुस्लिम्स थे इंडिया में वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गए जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड, ब्रिटिशर्स का बिहेवियर कैसा है टर्की के प्रति, और इसलिए उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किसने किया, बट इससे पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ, हम जो नेशनल मूवमेंट है 1905 यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से सारे आगे जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबको हम थ्रू हैंड रिटन नोट्स पढ़ रहे हैं, इसी तरह के नोट्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जितने भी NCERTs हैं क्लास 6 ऑनवर्ड्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, थ्रू समरी नोट्स पढ़ेंगे। कई बार हम थ्रू बुक्स भी पढ़ लेते हैं, कोई सीरीज में थ्रू बुक भी स्टार्ट कर देती हूँ, तो हम वो सब पढ़ेंगे। प्लस जनरल स्टडीज़ के कोई भी सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अगर आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। प्लस थोड़ा अब हम ज़्यादा ड्यू नहीं करेंगे वीडियो को, अब हम देखेंगे कि खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था। इट वॉज स्टार्टेड बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये अली ब्रदर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। लेटर कांग्रेस, मतलब बाद में जो कांग्रेस थी उन्होंने भी इसे ज्वाइन किया, ठीक है। अब होता क्या है, 19 अक्टूबर 1999 यानी 19th अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, एक ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुई हिंदुओं की और मुस्लिम की, इसी जो मूवमेंट चल रहा था इसके डिस्कशन के लिए, जिसके लीडर थे महात्मा गांधी जी। अब महात्मा गांधी जी बहुत खुश हुए जब उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिम को एक साथ देखा, ठीक है ना। अब महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे, ही वॉन्टेड टू ब्रिंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर टू अचीव कंट्रीज इंडिपेंडेंस, यानी कि अपने देश में स्वतंत्रता हासिल करने के लिए महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को साथ में लाया जाए, इसी के थ्रू हम इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। तो उसे जो ये कॉन्फ्रेंस हुई ना, इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मान रहे थे महात्मा गांधी जी इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए। बट बाद में होता क्या है, लेटर इट मर्ज्ड विद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1920 में स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था वो देखने के लिए आपको मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, राइट। तो वहाँ पे हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो भी स्टोरी है वो सब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कि जो खिलाफत मूवमेंट है बाद में जाके वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से मर्ज हो गया था,
ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया हो, आपको कोई डाउट नहीं रहा हो। कोई भी डाउट अगर रहता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ये तो आपको पता ही है करना क्या है, जल्दी से कर देना है आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को करना है प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।